बोकारो सदर अस्पताल समेत जिले के सरकारी अस्पताल सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक साथ कोविड 19 को लेकर मॉक ड्रिल हुआ। संभावित संक्रमण को देखते हुए सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों में कोविड 19 के सक्रिय मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। हम ही चेक कर लेते हैं जो ऑफिस में बैठता है। अरे ठीक जैसे पूरा देश पर जो है कोविड केसेस बढ़ते हुए को देखते हुए कल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वीसी में दिए गए इंस्ट्रक्शन के आलोक में आज सदर हॉस्पिटल बोकारो में कोविड 19 को लेकर के क्या क्या प्रिपरेटनेस है प्रिपरेशंस है उसको देखने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग कितने प्रिपेयर्ड है अगर एक्सीडेंटली केसेस इन केस बढ़ता है तो हम लोग कितना तैयारी अपना सिद्धित करके रखे, उसका एक झलक था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा प्रिपरेशन और थोड़ा आगे बढ़ करके हमारा जो आगे वाला इनके कोविड केसेस बढ़ेंगे तो हम लोग सतर्क रहेंगे और तैयारी पूरा रहेगा। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज कोविड 19 का मॉक ड्रिल फिर से किया गया और भले ही कोविड को दस्तक दिए लगभग 3.5 साल हो गए लेकिन इसका खतरा पूरी तरीके से टला नहीं। तो ये एक मॉक ड्रिल हम इसीलिए करते हैं कि कल को अगर मान लो ऐसी कोई घटना घटती है या आपदा प्रकट होती है तो हम लोग तैयार रहें, हमारी मशीनरी तैयार रहे और हर CHC में, सदर अस्पताल में, अनुमंडल अस्पताल में हम लोग ये मॉक ड्रिल करा रहे हैं और इसे एक अच्छा मैसेज सोसाइटी के अंदर दे रहे हैं कि पहले अपने सतर्क रहें। और क्योंकि कोविड को सब लोग देख चुके हैं कि इसमें जैसे ही आपको टेस्टिंग करानी है, टेस्टिंग होने के बाद अगर पॉजिटिव आते हैं तो आइसोलेशन में जाना है, तबीयत खराब होने पे, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है और हॉस्पिटल को भी निर्देश दे दिया गया है कि अपने जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो PSA प्लांट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी अपने सिलेंडर्स की कैपेसिटी को अपना इंस्टॉल करके रखें, जरूरत पड़ने पर एक साथ एकजुट होकर हम लोग इस बीमारी का निपटारा करेंगे। बने रहें thetimesmedia.com पर, आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।